जैसलमेर के पोखरण से खबर है। भारतवर्ष और पोखरण की धरा का गौरवशाली दिन आज है। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण की धरा पर हुए थे परमाणु परीक्षण। सफल परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरा पोखरण। भारत ने विश्व में सामरिक शक्ति का मनवाया था लोहा। सफल परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ आज है, तो आज का दिन बेहद खास जैसलमेर के लिए, भारत के लिए, राजस्थान के लिए। भारतवर्ष और पोखरण की धरा का गौरवशाली दिन आज है। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण की धरा पर परमाणु परीक्षण हुए थे। सफल परमाणु परीक्षण के बाद विश्व मानचित्र पर उभरा पोखरण और भारत ने विश्व में सामरिक शक्ति का लोहा मनवाया था। सफल परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ आज है और हमारे साथ सूर्यवीर सहयोगी जुड़ गए हैं जैसलमेर से। सूर्यवीर, आज का दिन बहुत खास राजस्थान के लिए, देश के लिए, आज का दिन हमेशा याद भी किया जाता है, क्या कुछ आज खास कार्यक्रम भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर और पूरे देश में जिस तरह से बुध है वो मुस्कुराए थे और जिस तरह पोखरण से 25 किलोमीटर दूर स्थित जहां पर आज से ठीक 24 वर्ष पूर्व 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण से न केवल पोखरण बल्कि भारत देश के विश्व में परमाणु शक्ति के रूप में नहीं पहचान है वो दिलाई थी। जहाँ खेतल भाई गए में कुछ बुजुर्ग उस समय की घटना को आज भी बताते हैं और फिर आवाज से पता चलता है कि उनको कितना गर्व है उस दिन है वो महसूस हुआ था, क्योंकि परमाणु परीक्षण के दिन जिस तरह से पूरे जैसलमेर में है वो धमाके है वो सुनाई दिया था और ऐसा लगा था कि भूकंप का झटका है, लेकिन जब उनको पता चला कि भूकंप नहीं, ये गौरव के पल है। लेकिन 11 मई 1998 को लंबा आज भी लोगों के जहन में वीर गाथा के रूप में है वो संजोया हुआ है, क्योंकि परमाणु परीक्षण के बाद विश्व के मानचित्र में अपनी अलग ही पहचान बना चुका पोखरण का खेतोलाई गांव आज भी परमाणु परीक्षण से फैली जिस तरीके से कई जो गाथाएं हैं वो गा रहा है और गौरवशाली गांव होने का भी उनको है गर्व कहीं ना कहीं महसूस होता है, क्योंकि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कई जो करीब 24 वर्ष पूरे 11 और 13 मई 1998 के क्षेत्र में खेतोलाई गांव के निकट जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सिलसिलेवार किए गए परमाणु धमाकों के बाद विश्व स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। जहां भी पोखरण का नाम आता है तो एक परमाणु परीक्षण के नाम पर आता है। कई फिल्म के फिल्मांकन है वो यहां पर हो चुके हैं और पोखरण का नाम जहन में आते ही कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर देश विदेशों तक ये नाम है वो पहुंच चुका है। आज इस तरीके से आज वर्षगांठ है तो वर्षगांठ के मौके पर आज कई कार्यक्रम है वो उसी आर्मी द्वारा आयोजित किए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो बासिंदों और गांव के लोग हैं वो इसकी वीर गाथाओं को भी है वो आज फिर से है वो जीवित है वो हो सकेगी, क्योंकि पोखरण की धरा पर किए गए परमाणु परीक्षण में भारत की ताकत की धाक है वो पूरी दुनिया को आज के दिन साबित हुई थी, क्योंकि क्षेत्र के बासिंदों के सीने आज भी इस उपलब्धि पर है वो भूल जाते हैं, क्योंकि 11 और 13 मई 1998 के तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण की शक्ति व भक्ति की धरा पर सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण किए थे और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के निकट किए गए परमाणु धमाकों के बाद विश्व स्तर पर एक अनूठी और शौर्य की गाथा और शक्ति दिवस की याद में अपने गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि प्रथम परमाणु परीक्षण जैसे इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में 18 मई 1974 को हुआ था तो वही दूसरा सबसे प्रमुख है वो 11 और 13 मई को 5 परीक्षण किए गए थे और सफलता के कारण मिशन को एकदम गोपनीय है वो रखा गया था, क्योंकि 11 मई से पहले परीक्षण के बाद 12 मई की रात मोतला गांव के 2 कुओं में बम स्थापित करने के बाद रेत भर दी गई, जबकि 6ठे कुएं में तैयार भी किया गया था, लेकिन पहले 3 बड़े परीक्षण सफल के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 6ठा परीक्षण करने से मना कर दिया था और 13 मई को 2 और कुओं में ही परीक्षण किया गया, यानी कुल 5 सफल परीक्षण कर लिए गए। इन तैयारियों के दौरान परीक्षक के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजा राजगोपाल चिदम्बरम तथा अनिल काडोकर जैसे मौके पर आते जाते रहते थे। पूरा जो पूरा मैप है वो तैयार किया गया था और सैटेलाइट से चुनौती ही बहुत चुनौती साबित थी और 11 और 13 मई 1998 को 2 तारीखों को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसी के साथ हम परमाणु संपन्न देश बन गए थे और सफलता का एक बड़ा कारण मिशन की गोपनीयता थी। उस दौरान बड़ी जिम्मेदारी बहुत 58 इंजीनियर रेजिमेंट की जो आर्मी थी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उस मिशन में उनका बहुत अमूल्य है वो योगदान था। आज के
के दिन जिस तरीके से कई लोग उनके फोटोग्राफ देखते हैं या उनकी गाथाएं सुनते हैं तो हर कोई अपने गौरवान्वित है वो महसूस करता है, और पूरे विश्व में वो भारत है वो परमाणु शक्ति से है वो उभर कर है वो सामने आया, क्योंकि पोखरण से 25 किलोमीटर दूर आज भी गांव आज से ठीक बिल्कुल, और क्योंकि आज भी ये दिन याद किया जाता है सूर्यवीर, क्योंकि बहुत खास ये दिन रहा भारत के लिए, गौरवशाली दिन रहा, और इसलिए सेना जो है कई कार्यक्रम भी आज करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर पूरी जानकारी के लिए।